हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी कि जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसमें 95% या उससे अधिक स्कोर कैसे करें, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसी कोई भी अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, जिसको फॉलो करना पॉसिबल ही ना हो, है ना। मैं आपसे कह दूँ कि दिन रात पढ़ो, ठीक है, मर जाओ पढ़ पढ़ के, है ना, 12-12 घंटे पढ़ो, ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाले, ठीक है बच्चा। यहां पर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 बातें बताऊंगा। अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो करा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो 10 बातें कौन सी हैं, वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, कीप सिंपल एंड साइलेंस योर सेल्फ, है ना, खुद को सिंपल रखो और शांत रखो, है ना। कई लोग आपको डराएंगे, है ना, कि देखो बेटा तुम 10 में आ गए हो, है ना, ठीक है, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मतलब कई तमाम तरह की बातें करेंगे ना। तो ये जो एग्ज़ाम है वो तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है ना, बोर्ड एग्ज़ाम लेता है ना, पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भर देंगे, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मुस्कुराना है, शांत रहना है, कुछ नहीं होगा जी, है ना, बिल्कुल सिंपल सा एग्ज़ाम होगा, है ना। तो पहली बात तो ये है कि डरना बिल्कुल नहीं, कि 10 में आ गए, है ना, पढ़ना है पढ़ना है, सब एकदम माइंड को एकदम शांत रखो, एकदम साइलेंस, है ना, आराम से एग्जाम देंगे, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम जाएगा, ठीक है बच्चा, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट, अपने सिलेबस को जानो, एवरी सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। दूसरा जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस को जानो, है ना, बच्चों को अपना सिलेबस ही नहीं पता है, है ना, कई को तो सिलेबस का मतलब भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम, है ना, कि भाई आपको साल भर पढ़ना क्या है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये अगर आपको पता ही नहीं तो आप साल भर पढ़ क्या रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ चैप्टर्स कटे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कटे होते हैं, कई टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कई टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं, ना, तो बच्चा क्या है, एक ढर्रा पकड़ के पढ़ता जाता है, उसको पता ही नहीं होता, यानी कि वो अपडेटेड नहीं होता, है ना, कई बार चीज़ें चेंज होती हैं और टीचर भी नहीं बताते, है ना, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, कई बार कोचिंग के टीचर भी नहीं बताते हैं, है ना, कुछ टीचर्स बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, है ना। तो आपको अपने यानी कि हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सिलेबस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, है ना, तो अप्रैल मई यानी कि शुरुआत में ही, है ना, अप्रैल या मई या जून में आपका जो भी यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सिलेबस जारी कर देता है ना, कि देखो भैया, है ना, हर चैप्टर में ये टॉपिक्स है, यहाँ यहाँ से हम पूछेंगे, यानी कि हर चैप्टर रहेगा और हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रहेंगे, है ना, कि हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है बच्चा। तो आपको हर सब्जेक्ट्स का सिलेबस पता होना चाहिए, है ना, हर सब्जेक्ट के सिलेबस में ये लिखा होता है कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, है ना, ताकि आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लियर रहे, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान देना है, कई लोग सोच रहे हैं कि सर हमें सिलेबस कैसे पता चलेगा, है ना, हम कहाँ से पाएंगे, है ना, ठीक है, अगर आप पता कर सकना तो कर लेना, वरना मैं सिलेबस पे, हर सब्जेक्ट के सिलेबस पे वीडियो बना के डाल दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है ना, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, स्टार्टिंग से पढ़ाई करें, है ना। कई लोग अभी सो रहे होंगे, है ना, अप्रैल आ गया है, सो रहे होंगे बढ़िया से, है ना, ठीक है, जाग जाओ, है ना। देखो, अगर आपको सच में 95% लाना है ना, तो स्टार्टिंग से, शुरू से पढ़ाई करो, है ना, ये नहीं कि अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी तो मई चल रहा है, जून चल रहा है, अभी तो हम सोएंगे, नानी के यहाँ जाएंगे, है ना, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, सब बहाने हैं, बकवास बंद कर दो, नहीं तो फिर वही 80% रह जाओगे, है ना। तो शुरू से पढ़ाई करो, है ना, ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, अपने नोट्स खुद बनाओ, है ना। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ ना, ठीक है, 3-4 चैप्टर नहीं लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, किसी से मांग के लिख लेते हैं, है ना, यानी कि तुमने क्या करा, एकदम जैसे प्रिंटर नहीं होता, है ना, प्रिंट कर देता, तुमने बस ऐसे कॉपी कर लिया, है ना, तो क्या तुम्हारे दिमाग में फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना। नोट्स खुद बनाओ, है ना, क्लास में बैठ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनका नोट्स बनाओ, है ना, उसको लिखो, खुद के हाथ का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है, है ना। तो नोट्स बनाना कंपलसरी है, ज़रूरी है ना, मैथ के, इंग्लिश के, साइंस के। अच्छा, यहाँ पे बच्चों में प्रॉब्लम भी आती है ना, वो कहते हैं कि सर जी, है ना, स्कूल का भी फेयर बनाना पड़ता है ना, कोचिंग का भी फेयर है, है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन है ना, पता चला कि हम साल भर फेयर ही बनाते रह गए, है ना, ऐसा भी होता है। तो एक बात समझो, देखो,
पहली बात तो ये ध्यान दो है ना कि अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हैं है ना, या अगर आप मान लेते हैं यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, पहली बात तो किसी एक टीचर को फॉलो करना है, मतलब एक ही टीचर से पढ़ना है। अगर आप मैथ एक जने से पढ़ रहे हैं तो एक के जने से पढ़ना है ना, 20 लोगों को नहीं पकड़ लेना कि इनसे भी पढ़ लें इनसे भी पढ़ लें, ठीक है बच्चा। तो उन्हीं का पूरा मतलब एक चैप्टर से लेकर जहाँ तक है 14 चैप्टर तक है तो वहाँ तक क्या करो आप पूरा का पूरा बना लो, फिर इसको आराम से रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो है ना, ऐसे करके बनाना है। स्कूल की उतनी चिंता मत करो ठीक है, स्कूल का फेयर स्कूल में ही बना दिया करो डायरेक्ट है ना, रफ की तरह लिख के दिखा दिया करो, उसकी उतना ज़्यादा चिंता मत करो ठीक है बच्चा। खैर आगे बात करते हैं, पांचवा पॉइंट है ना, सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे है ना। बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में है ना, वो क्या करते हैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रह जाते हैं, सिर्फ मैथ ही साइंस ही पढ़ते रह जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि हिंदी भी होता है ना, भूल जाते हैं कि सोशल साइंस भी होता है, भूल जाते हैं कि कला होता है या संस्कृत होता है या किसी का कंप्यूटर हो सकता है ना, भूल जाते हैं है ना। तो ये गलती नहीं करना है ना, सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है ठीक है बच्चा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मैथ साइंस ही ज़्यादा नंबर के आते हैं बाकी कम नंबर के आते हैं ना, सभी बराबर नंबर के आते हैं। हाँ ये हो सकता है कि आप मैथ साइंस इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें है ना, उनको ज़्यादा समय दें बाकी को कम समय दें है ना, ऐसा नहीं करना कि एक महीने तक हिंदी को हाथ ही नहीं लगाया है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से देखते रहना है पढ़ते रहना है ठीक है। बात करते हैं छठवां पॉइंट, NCERT पर फोकस्ड रहें है ना। मैंने ऑब्जर्व करा है, चूंकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं आपको मैथ के बारे में बता रहा हूँ, NCERT से डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं है ना, तो NCERT पर फोकस्ड रहें है ना। अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं उसमें जो चीज़ NCERT है ना उस पर लिखा होता है NCERT, उस पर आप फोकस रखें है ना, यानी कि उसको आप ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें है ना। तो NCERT पर आप फोकस रहें, इस बात को आप ध्यान दीजिए ठीक है। सातवां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए मुझे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी है ना, स्मार्ट स्टडी है ना, यानी कि स्मार्ट स्टडी करें है ना। देखो एक बात समझो है ना, अगर सबकी तरह पढ़ रहे हैं जैसे सब पढ़ रहे हैं, अगर आप भी वैसे ही पढ़ रहे हैं है ना, तो क्या गारंटी है कि 95% आ जाएंगे। 95% लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा है ना, तो उसको कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी है ना, यानी कि ज़माना बदल चुका है ना ठीक है। अब क्या है, हर लोग स्मार्ट हो चुके हैं ना ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा स्मार्ट तरीके से, यानी कि स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना पड़ेगा है ना, बहुत रणनीति के साथ है ना। देखो होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ का एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मैथ में टोटल 14 चैप्टर हैं है ना, लेकिन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने हैं, एग्ज़ाम में मात्र 10, 12 या 15 क्वेश्चन ही आएगा, तो 14 चैप्टर में, और हर चैप्टर में क्या है 20 से 30 सवाल है, तो अगर हम 14 चैप्टर का मिला लें तो कम से कम कितना 300-400 सवाल हो गया, तो उन 300-400 सवालों में से एग्ज़ाम में कितना आएगा मात्र 10-12-15 है ना। तो ऐसा कैसे पढ़ें कि वो 10-12-15 सवाल हम एग्ज़ाम में बिल्कुल सही करके आएँ है ना। अब ये कैसे पता चलेगा है ना, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी है ना, कि कैसे पता चल जाएगा, पता चल जाता है ना। देखो एक तरीका होता है, आपको अपडेटेड होना होगा है ना, अपडेटेड, आपको अपडेटेड होना होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। कैसे पता चलेगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो है ना, 2024 में कैसे पूछा गया था, 2023 में कैसा पूछा गया था, 2022 में कैसे पूछा गया था है ना। कम से कम 5 से 6 सालों का आप क्वेश्चन पेपर खंगाल लो, देख लो है ना। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, अनसॉल्व खरीद लो, दुकान पे मिलता है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है ना। देखो कहीं से अपने जो भी भाई बहन जो पिछले साल पेपर दिए थे उनका पेपर मांग लो है ना, उनको रख लो, देखो कि उस दिन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है ना, क्या माइंड में थोड़ा दिमाग में यानी आएगा कि है ना हमें कैसे पढ़ना है ना ये। और होता क्या है ना कि हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी होती है, वैसे इंग्लिश की एक स्ट्रेटजी होती है, हिंदी की, इन पर ये इस पर क्या है, इस पर एक अलग सी वीडियो बन सकता है जिसको मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी का पेपर है, अब हिंदी के पेपर में क्या है ना, कुछ बातें एकदम फिक्स्ड हैं, जैसे जीवन परिचय आना ही है, तीन ठो याद कर लो उसमें से एक पक्का आ जाएगा है ना, तो कुछ बातें फिक्स्ड हैं है ना कि 100% आना है, तो उसको कैसे पढ़ना है ठीक है।
कुछ, अब जैसे इंग्लिश का पेपर है, कुछ याद करना है, कुछ ग्रामर की बातें हैं, तो याद करने वाली बातों को कैसे पढ़ना है, ग्रामर वाली बातों को कैसे पढ़ना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना। आठवां पॉइंट मुझे लगता है ना, इसके बिना कोई भी बच्चा टॉप नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। रिवीजन, है ना, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। पता चला कि तुम इधर से पढ़ते जा रहे हो और पीछे से भूलता चला जा रहा है ना, तो रिवीजन करना है ना। रिवीजन का मतलब होता है पुनः उसको दोहराना, है ना, एक बार ऐसे आँख बंद करना और सोचना कि आपने क्या क्या पढ़ा है, रिवीजन, है ना, इसका नाम है रिवीजन। री का मतलब पुनः, विजन का मतलब देखना, दोबारा से देखना, है ना। ऐसे पता चला कि है ना पाँच चैप्टर पढ़ लिया और इधर से तीन चार चैप्टर गायब हो गया, है ना, ऐसे नहीं करना। तो पढ़ते रहना है और हफ्ते में संडे को या ऐसे आपको क्या करना है, उसको रिवाइज भी करते रहना है ना, तभी आप 95 तक पहुंच पाएंगे, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत रिसर्च करके, है ना, ताकि आप इसको समझो और देखो एक बात समझो, ठीक है, मेहनत सभी करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हो, वही भूतों की तरह जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करते रहो, है ना। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कुछ भी, कुछ कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, है ना, टीचर्स को भी लग रहा है कि वो पढ़ा रहे हैं, है ना, सबको लग रहा है ना कि वो पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में खुद से पूछो कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है या जो एग्ज़ाम में आएगा, क्या हम वही पढ़ रहे हैं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हमें फोकस बना के रखना पड़ेगा, है ना, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। देखो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन के साथ टेस्ट, है ना, कम से कम हफ्ते में, है ना, 15 दिन में 10 दिन में टेस्ट आपका होना चाहिए, एक महीने में कम से कम आप 2 से 3 टेस्ट दो, है ना, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए कम से कम 4-5 टेस्ट, है ना। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नौवां जो पॉइंट है वो ये है, है ना, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 नवंबर तक, ना 31 नवंबर तक तो कम से कम 15 दिसंबर तक, यानी कि एग्ज़ाम होने, यानी जब आपका एग्ज़ाम है उसके करीब 1-1.5 महीने पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। सिलेबस ख़त्म होने से क्या होता है कि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, है ना, तो आप क्या है पूरा का पूरा रिवाइज कर पाएंगे, है ना, रिवाइज कर पाएंगे, टेस्ट देंगे, पिछले साल के क्वेश्चन लगाएंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे, है ना, सब कुछ आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, है ना, इतना तक आपको पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, है ना। तो आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है बच्चा, ताकि बाद में टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, रिविज़न करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी ये जो नवा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दसवां पॉइंट, जो कि बच्चों का सवाल होता है कई बार, है ना, कि सर 95% लाने के लिए या उससे अधिक लाने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए या क्या टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना। सबसे बकवास क्वेश्चन है ना, घंटे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, घंटे से घंटा फर्क पड़ता है, समझ रहे हो, है ना। देखो कितना घंटा पढ़ना है इसको हटा दो, है ना, आप क्या करो ना, एक बात समझो पहले, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे, है ना, जैसे कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, कि जैसे उनको लगता है कि कोई फिक्स्ड चीज़ होती है ना, जो टॉप करते हैं ना उनके अंदर कोई फिक्स चीज़ होती है ना, कि भैया कोई कह दिया कि भाई 10 घंटे पढ़ना होगा तभी इतने परसेंट आएंगे, तो एकदम बकवास बात है। एक्चुअल में आप पढ़ क्या रहे हैं, है ना, आप क्या करो हर दिन का टारगेट सेट करो, है ना, कि आज मुझे क्या करना है, जैसे कि आज ये 1-2 चैप्टर मुझे दोहराना है, है ना, आज ये चैप्टर की 5 सवाल मुझे लगानी है, आज मुझे ये याद कर लेना है ना, तो ऐसे करके पढ़ो, है ना, और कोशिश करो जैसे कि ऐसे पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कठिन पढ़ो तो कुछ आसान पढ़ो, जैसे मैथ पढ़ा तो फिर हिंदी पढ़ने लग जाओ, है ना, कुछ बड़े क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद बहुविकल्पी पढ़ने लग जाओ, है ना, इस तरह से पढ़ो ताकि तुम्हारा माइंड क्या हो, मतलब डिस्टर्ब ना हो, है ना, बोर ना हो जाए, समझ में आएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, है ना। तो कितने घंटे पढ़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में जैसे अप्रैल मई जून में है तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ें, हाँ, लेकिन डेली पढ़ें, रेगुलरिटी, है ना, ये एक चीज़ मैं भूल गया, रेगुलरिटी, है ना, रेगुलरिटी प्लस कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक दिन पढ़ा 3 दिन पढ़ नहीं करा, अगले दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा मत करो, हर दिन पढ़ो, 3 घंटे पढ़ रहे हो हर दिन पढ़ो, है ना, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक के दिन 5 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन तक पढ़ बने करा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ, है ना, कि क्या करो, है ना, कि ब्रश मत करो 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते यानी कि जो 7वां दिन है उसी दिन 1 हफ्ते का
मतलब पूरा का पूरा एक हफ्ते का संति ब्रश कर लो, है ना, तो कैसा रहेगा? हैं, जो भी आपके पास एक हफ्ते तक आएगा वो तो आपसे दूर ही भाग जाएगा, है ना, आपका मुंह इतना तेज मतलब अजीब तरीके से महकेगा, है ना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि आपको डेली करना है ना, डेली डेली डेली, है ना, इससे क्या होगा, ये एक आदत है ना, फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, है ना, नियमित पढ़ें और लगन के साथ पढ़ें, है ना, और ये एक घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप 2 से 3 घंटे पढ़ें, हाँ जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। कई लोग टाइम टेबल कैसे बनाएंगे कि आज मैं 6 बजे उठूँगा, 6:15 पे ब्रश करूँगा और फिर 15:20 से नाश्ता करूँगा और फिर का जरा जब 6:20 से मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, 6:20 से लेकर 7:20 तक हिंदी पढ़ूँगा, ऐसे करके, ना, ये टाइम टेबल बेहद बकवास टाइम टेबल होता है, इसको कोई आज तक फॉलो नहीं कर पाया है, आप भी नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना, ठीक है। तो ये वो टोटल 10 बातें हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आप 95% गारंटेड लाएंगे, ना। आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 स्टार बना के यहाँ पे क्या लिखा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पे ना निर्भर मत रहो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर जी हमारे स्कूल में ना, सर जी हिंदी वाली मैडम जी ना नहीं सही से पढ़ा रही हैं, है ना, ये सब बहाना नहीं चलेगा कि सर जी हमारे स्कूल में ना इंग्लिश वाले सर जी कभी कभी नहीं आते हैं, या हमारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा। नहीं पढ़ाया जा रहा, खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, किसी से पूछ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, है ना, पर पढ़ो, किसी पे निर्भर मत रहो, है ना, ये सब बहाने नहीं चलेगा, ठीक है। अगर सच में मार्क्स लेके आने हैं और लाना है जी, है ना, पढ़ना है ना, कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये वो बातें हैं, ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय और बाय।